राजस्थान में इस बार 25 में से हालांकि 14 सीटें ही बीजेपी को मिली, लेकिन प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो 4 मंत्री बनाए गए हैं जिसमें आप भी हैं। वो पीए सोहागा टीम में क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी, इस बारे में बताइए। देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। मैं एक साधारण किसान के परिवार में जन्म लिया और मुझे पता है किसान की क्या पीड़ा है। शायद प्रधानमंत्री जी ने मेरे पर भरोसा किया है तो मैं उस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। और इस देश के अन्नदाता किसान भाइयों के लिए मोदी जी का सपना है कि किसान की आमदनी दुगनी हो, हिंदुस्तान का अन्नदाता किसान समृद्ध हो, उसके घर में खुशहाली आए। इसके लिए वो 10 साल में जो काम किए हैं वास्तव में बेमिसाल हैं। चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, तो 2 किस्तों में 3-6 हज़ार रुपये, MSP बढ़ाने की बात हो, 10 साल में 1 गुना 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना तक किया है जी। तो किसान को समृद्ध करने के लिए मोदी जी ने बहुत प्रयास किए हैं। और 2019 से 2024 में वैश्विक महामारी आ गई, कोरोना काल आ गया, कई कठिनाइयाँ आई थी। यहाँ 140 करोड़ जनता को मास्क और सैनिटाइज भी नहीं था, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी मैं मोदी जी के नेतृत्व में ये देश सुरक्षित बचा है। और मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान का अन्नदाता किसान के बलबूते के ऊपर ये कोरोना काल को भी मजबूती से पार पाया मोदी जी ने। 80 करोड़ से ज़्यादा जनता को फ्री अनाज देने का काम किया तो ये अन्नदाताओं के ताकत के पीछे मोदी जी ने किया। इसलिए प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि किसान के घर में समृद्धि आए, खुशहाली आए, और किसान को और क्या उनके लिए बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब को कैबिनेट मंत्री बनाया है और हमें कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री बनाया है। हम 4 दिन से मोदी प्रधानमंत्री जी ने कहा क्षेत्र में नहीं जाइए और किसान के हित के लिए क्या कर सकते हैं, उनको समय पर खाद और बीज मिले, प्रमाणिकता का मिले और सही टाइम पर मिले, इसके लिए जो भी उपाय करना है, पहले से उन्होंने 100 दिन का रोड मैप तैयार किया है। उसके अंतर्गत किसान हित में जो जो भी कार्य हो सकते हैं उसके लिए शिवराज सिंह जी चौहान जी की अध्यक्षता में हम बैठकर हमने सारे अधिकारियों की का हमने बैठ के की है। और मैं कह सकता हूँ कि इस देश का अन्नदाता किसान के घर में समृद्धि लाने के लिए जो भी उपाय होने चाहिए वो सारे उपाय किए जाएंगे। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति आप जानते हैं क्योंकि आप किसान कौम से आते हैं, जाट समाज से आते हैं। इस बार जो लोकसभा चुनाव रहा, झुंझुनू, सीकर, चूरू, ये जाट बेल्ट है, किसान कौम की बेल्ट है, वहाँ पर बीजेपी वो प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई जो कि उसके पहले के 2 चुनावों में दोहरा पाई, उसका एक बड़ा कारण क्या जानते हैं मानते हैं आप? देखिए, हमारे आशा के अनुरूप जी सीटें नहीं आई, हमें खुद को इसका मलाल है जी। परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी जी जो कहते हैं जो करते हैं, यानी NDA की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है, विपक्ष झूठ बोलती है और जल्दी से जनता के बीच में झूठ को फैलाती है, झूठ तेजी से फैलती है और सत्य है वो देरी से उजागर होती है, पर अंततः सत्य की विजय होती है। विपक्ष ने सबसे पहले तो ये अफवाह फैलाई, आम जनता में एक भ्रम फैलाया कि मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री बन गए तो SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे, जबकि मोदी जी ने यह कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। परंतु इन्होंने ये भ्रम फैलाया और राजस्थान में पहले और दूसरे चरण में चुनाव थे, इसलिए उनका जो ये जो भ्रम फैलाया कहीं ना कहीं हमारी कमी खामी रह गई कि उस जनता के जो भ्रम को जो उन्होंने भ्रम फैलाया उसको हम सही ढंग से जनता को बता नहीं पाए। और इसकी वजह से ये भी वजह है, और भी वजह हो सकती है, उन्होंने जातिवादी जहर फैलाया। ऐसे करके हम मानते हैं कि 2014-2019 में उन 25 की 25 सीटें हमारी आई, अब की बार जो हमारे आशा के अनुरूप सीटें नहीं आई है,
परंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सच्चाई की जीत होती है। फिर यह राजस्थान में 25 की 25 सीटें लाएंगे और हर क्षेत्र में ये भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी। आप चूँकि किसान कौम से भी है, हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा फैसला लिया है, जो थर्ड ग्रेड टीचर है उनकी जो भर्ती होगी उसमें 50% कोटा आरक्षण है वो महिलाओं को दिया है, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी, क्योंकि ये डिसीजन लिया गया है? देखिए, जब भारत शक्ति मजबूत होगी, सशक्त होगी, तब ये देश सशक्त होगा, मजबूत होगा। इतिहास उठा के देख लो, हमारा देश पहले परम वैभव था, सोने की चिड़िया थी, दूध की नदियाँ बहती थी, शिक्षा के क्षेत्र में पूरे दुनिया में हमारा देश अव्वल नंबर था, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय इसके साक्षात प्रमाण है, यहाँ शिक्षा पूरे दुनिया में नंबर वन थी। दुर्भाग्य था कि पिछले कालखंडों में ये शिक्षा का, महिला शिक्षा का अभाव हो गया और हमारा देश पीछे चला गया। हमारे देश में कई तरह की विकृतियाँ आ गई, विषमताएँ आ गई, परंतु अब मोदी जी ने 1/3 लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दिया है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो थर्ड ग्रेड टीचर में 50% महिलाओं को मौका दिया है, मैं कह सकता हूँ ये एक बहुत बड़ा एक वरदान साबित होगा। और मार शक्ति जब अपने पैरों पर खड़ी होती है तो वो घर भी मजबूत होता है। और इतना ही नहीं, 100 दिन का टाइम मिला उनको, ERC लागू करी उन्होंने, किसान सम्मान निधि 2000 रुपये और बढ़ाए, 8000 किए, डीजल पेट्रोल के वेट कम किया उन्होंने, गैस सिलेंडर 450 रुपये किया, जो 5 साल के अंदर पूर्ववर्ती कांग्रेस की गहलोत जी की सरकार ने जो नौजवानों को जीवन के साथ खिलवाड़ किया, उनका भविष्य बर्बाद कर दिया, बार बार पेपर लीक करके उसका भी पुख्ता इंतजाम किया और जो भी दोषी थे उनको जेल के शिकंजे में डाले, बाकी बचे वो भी जेल के शिकंजे में जाएंगे। तो 100 दिन के अंदर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत ऐतिहासिक काम किया और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, फिर ये देश विकास की दृष्टि से आर्थिक रूप से तीसरे पायदान पे जल्दी पहुंचने वाला है और ये देश विकसित राष्ट्र बनने वाला है। भागीरथ जी, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन भी किया, जो पिछली अशोक गहलोत सरकार ने नए जिले बनाए थे, नए जिलों का पुनर्गठन किया था, उसकी समीक्षा के लिए खासतौर पर 17 नए जिले बनाए, 3 संभाग मुख्यालय बनाए। हाल ही में अमराराम जो हेमाराम चौधरी है उनका एक बयान आया है, विवादित बयान, जो उनके पद के अनुरूप नहीं है, मुख्यमंत्री जी को लेकर दिया है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, उनके अपशब्दों का प्रयोग करा है, किस तरह देखते हैं इस प्रकार की बयानबाजी को? देखिए, चाहे कोई भी हो, सार्वजनिक जीवन हो चाहे ऐसे ही जीवन हो, शब्दों में कभी गिरावट नहीं आनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे उनकी तरफ से हो चाहे हमारी तरफ से हो, कभी शब्दों में गिरावट कभी जीवन में नहीं आना चाहिए। और ये सरकार है, गुण अवगुणों का सारा विश्लेषण होगा और जो भी जनता के लिए अच्छा होगा वो फैसले करेंगे। राजस्थान में जो 14 सीटें आपने जीती है, 11 सीटों पे हार हुई है, क्या उसकी भी समीक्षा होना चाहिए? देखिए, समीक्षा तो हो रही है, शीर्ष नेतृत्व कर रहा है और मैं मानता हूँ कि जो भी कमी खामियाँ रही है उन कमी खामियों को हम दूर करेंगे और सभी 36 गांवों को साथ लेकर और किसानों को, गांव, गरीब, मजदूर, व्यापारी, अधिकारी, कर्मचारी सबको साथ लेकर। एक लास्ट सवाल है, चूँकि आप केंद्र में अब मंत्री भी हैं लोकसभा चुनाव के, विपक्ष सत्ता में नहीं आ पाया लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के नेता खुशियां मना रहे हैं, किस तरह देखते हैं, खासतौर पर राहुल गांधी के जो बयान आ रहे हैं उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, इन्होंने आखिरी दांव खेला है, आखिरी दांव जी, इन्होंने ये सोचा कि इसके बाद हमारा कोई कुछ भी वजूद नहीं रहेगा, इसलिए इनका कोई सिद्धांत मिल नहीं रहा, विचार मिल नहीं रहे हैं, फिर भी इन्होंने ठग गठबंधन किया है, फिर भी ये कामयाब नहीं हुए। मैं कह सकता हूँ मोदी जी जन कल्याणकारी काम करेंगे, गरीब को गणेश मानकर काम करेंगे और फिर मजबूती से ये NDA की सरकार ये 5 साल ऐसा काम करेगी जो विकास की दृष्टि से दुनिया देखने इस देश को आएगी। मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से ये सरकार चलेगी और ये देश विकास की राह तेजी से पकड़ेगा। राहुल गांधी का जो अब वो सपना है, जो बयान दिए थे, अब आगे नहीं चलने वाला लग रहे हैं? राहुल गांधी जी का सपना उनके जीवन में कभी पूरा नहीं होगा, मैं ये
सत्य कह रहा हूँ, क्योंकि उनके विचार, उनके आचार, उनकी नीयत और उनकी नीति में खोट है। इसलिए कभी, क्योंकि ऊपर ईश्वर सब देखता है, जिसकी नीयत में खोट नहीं है उसको ईश्वर भी मदद करता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश तेजी से विकास करेगा।